अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशिता, ऐसा कहा गया कि कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल में भगवान ब्रह्मा और कलश के सारे अंग, अंग में सारी गंगा नदियां इत्यादि सरिताएं, चारों वेद और गायत्री सावित्री पुष्टि। वासुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ग्रंथिवन्दे ओंकारं तु देवताभ्यो प्रजापते नमः। सर्पाय नमः, अग्नये नमः, विश्वे नमः, रुद्राय नमः। ध्यायामि, आह्वयामि, पूजयामि, प्रतिष्ठापयामि, सर्वं चराचर गन्धात् पुष्पं समर्पयामि। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय आमोष्टामय भूस्थान पूजधाना महेरणाय चक्षसे। बेलपत्र शिव की पूजन में बेलपत्र अनिवार्य है, गणपति पूजन में ध्रुवा अनिवार्य है। ये सब साधन है, भगवान तो है, छत है, पर छत का साधन क्या है? चढ़ाव होता है, सरिया नहीं, चढ़ाव होता है छत पे चढ़ने के लिए। अगर वो नहीं होगा सीढ़ी दीजिएगा यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतिर्यादाजं पुरस्तादाय शुभग्रहं प्रतिबन्ध शुक्रम यज्ञोपवीतम परम तेजः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर पुष्प में गंधाक्षत अबीर गुलाल कुमकुम सभी सामग्री मिलाकर भगवान को अर्पण कर देवे। आई रही भोगे प्रदेश भाव जाया है निर्वाद मान सम विश्व विलय विदान भगवान भगवान परिवाद विश्वदाहा ना परिमल सौभाग्य द्रव्याणि सकलोपचारार्थ गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। इस पुण्य से ये पुण्य अनंत काल तक चलने वाला है। जब तक ये मंदिर रहेगा तब तक इसका पुण्य आपके साथ चलेगा, और जब तक पुण्य हमारे साथ चलेगा, हमारे वंश में चलेगा, तब तक हमें वो वंश समृद्धि प्रदान करेगा। क्योंकि पुण्य से ही लक्ष्मी है, पुण्य से ही भाग्य है, पुण्य से ही सारे सुख हैं। अगर पुण्य है तो धन संपदा लक्ष्मी सब है, और पुण्य इस लोक में भी सुख देता है और पुण्य परलोक में भी सुख देता है। धन संपदा तो यही रह जाती है, लेकिन पुण्य साथ में भी जाता है, और हमारे पुण्य से हमारे पूर्वज भी तर जाते हैं, और हमारे पुण्य से आने वाले हमारे जो वंशज है वो भी तर जाते हैं। लोग कहते हैं कि बाप दादाओं को पुण्य ही है साहब, बहुत आनंद है उनके यहाँ। तो हम पुण्य आज करेंगे तो हमारे वंशजों को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। तो यह जो सत्कर्मा है ये इन्फिनिटी अनंत काल तक हमारे साथ चले, अनंत अनंत पुण्य हो जाए, जिसको अक्षय पुण्य कहें। ऐसी भावना से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये अनंत पुण्य हमको प्राप्त हो और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे वंश में चलता रहे, जिससे हम पुण्यात्मा और हमारा नित्य निरंतर कल्याण होता रहे। ऐसी विशेष प्रार्थना विशेष अर्घ्य के रूप में प्रदान करते हैं। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षत्रो लोक रक्षक भक्त आयामी। चढ़ा दीजिएगा डेली में पुष्प गंधा अक्ष पुष्पाणिम समर्पयामि। फिर लोटा लेकर के अर्घ्य भगवान को प्रदान करें, भूमि को ऐसा जल नीचे हाथ करके करें। ओम महिद्यो पृथ्वी चरय मञ्जग्न्यं मिमिक्षताम् मा प्रदानो हरिमपि भूमे नमाय मरुदत्तो नाम यज्ञनारायण भगवान की जय। जल छोड़ने के पश्चात भूमि माता को प्रणाम कर लो, कुछ भेड़ दक्षिणा वहां पर चढ़ा दे भूमि माता के प्रत्यर्थ। मंडप से छात्राय नमः, भूमि नमः, कुर्मा नमः, अनंताय नमः, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अब चावल लेकर के सभी मंडप के देवताओं का ध्यान करें। प्रारंभ है करो विद्या
दया दया सागरा